नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आप JCB के द्वारा 6 महीने में 30 लाख रुपए किस प्रकार कमा सकते हैं। काफ़ी साथियों ने तो थंबनेल को देख के ही चौंक गए होंगे कि क्या 30 लाख रुपए 6 महीने में कमाना पॉसिबल है भी या नहीं। तो साथियों, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप 6 महीने में 30 लाख रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। आजकल आपको पता है JCB का जो बिजनेस है वो यदि आप स्मार्ट तरीके से करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आप कंपटीशन भरे दौर में पिछड़ते चले जाते हैं और आप JCB से अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार एक अच्छा बिजनेस करके JCB के द्वारा 6 महीने में 30 लाख रुपये किस प्रकार कमा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि यह बिजनेस करने के लिए आपके पास कौन से व्हीकल का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए साथियों, आपको एक नई JCB की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है और नई JCB के साथ साथ आपके पास 2 ट्रैक्टर और 2 गारा बनाने वाली मशीन की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। तो साथियों, इन सभी व्हीकल के साथ आप कैसे काम करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आपको यह बिजनेस करने के लिए एक नई JCB, 2 नए ट्रैक्टर और 2 गारा बनाने वाली मशीन की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। आपको पता ही है कि ईंट के जो बट्टे होते हैं वहाँ पे जो ईंट बनाने के लिए जो गारा तैयार की जाती है वह गारा आजकल लेबर के द्वारा तैयार न करके मशीन के द्वारा बनाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें हर रोज भट्टों के ऊपर बनाई जाती है। तो इस प्रकार लेबर की कमी को देखते हुए आजकल जो गारा बनाई जाती है वह मशीन के द्वारा बनाई जाती है। तो आपने उन लेबर की पूर्ति को पूरा करने के लिए आप मशीन के द्वारा वहाँ पे काम करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ईंट के भट्टों पर गारा बनाई जाती है और ट्रैक्टर के द्वारा वह गारा किस प्रकार बना के उससे फिर ईंटें बनाई जाती है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आपको एक JCB, 2 ट्रैक्टर और 2 गारा बनाने वाली जो मशीन है वह खरीदने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो नई JCB 3DX है वो आपको नई JCB 30 से 35 लाख रुपये में मार्केट में आपको मिल जाती है और 2 जो ट्रैक्टर है वो आप 45 से 50 HP के ट्रैक्टर आप ले सकते हैं जो आपको मार्केट में लगभग 4 से 5 लाख रुपये के नए भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार एक JCB और 2 ट्रैक्टर खरीदने का जो खर्च है वो लगभग आपका यहाँ से 40 लाख रुपए बन जाता है और जो गारा बनाने वाली मशीन होती है वो 2 लाख रुपए की भी आपको नहीं मिल जाती है। तो इस प्रकार गारा बनाने वाली मशीन आपको 2 मशीन 4 लाख रुपए में मिल जाती है। तो यहाँ से हम टोटल यदि खर्च की बात करें 30 लाख की JCB और 10 लाख के 2 ट्रैक्टर, 40 लाख और 4 लाख की आपकी गारा बनाने वाली मशीन, यानी कि आपको यहाँ पे लगभग 44 से 45 लाख रुपए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ईंट के भट्टों के ऊपर अपनी मशीन को लगा सकते हैं और वहाँ पे आपने ईंट बनाने वाली गारा यहाँ पे बनानी है। तो इस प्रकार आप इन व्हीकल के साथ ईंट के भट्टों के ऊपर टाई अप कर सकते हैं और आप वहाँ पे गारा बना सकते हैं। यदि हम यहाँ से इनकम की बात करें तो आपको 1000 ईंट बनाने के लिए जो आप गारा तैयार करते हैं उसके लिए आपको 1000 ईंट के साथ 300 रुपये आपको वहाँ पे मिलते हैं और ईंट के भट्टों के ऊपर आप लगभग हर रोज़ 1 लाख ईंट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और 1 लाख ईंट बनाने की गारा आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एक दिन में वहाँ पे 1 लाख ईंट की गारा बनाने के लिए आपको 30,000 रुपये की जो इनकम है वहाँ से हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे डीजल का खर्च भी होने वाला है। यदि हम JCB के डीजल की खर्च की बात करें तो आपको पता ही है कि JCB लगभग 1 घंटे में 4 लीटर डीजल की खपत करती है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पे गारा बनाने के लिए 10 घंटे ही काम करना पड़ता है। तो यानी कि 10 घंटे में यदि हम डीजल की खपत की बात करें तो आपकी JCB 4000 रुपये में 10 घंटे बड़ी आसानी से काम कर लेती है और आपके यदि हम ट्रैक्टर के डीजल की खपत की बात करें तो 2000 रुपये में एक ट्रैक्टर 10 घंटे बड़े आराम से चल जाता है और इस प्रकार 4000 रुपये में 2 ट्रैक्टर आपके डीजल की यहाँ पे खपत हो जाती है। तो आपका टोटल जो डीजल की खपत है वो आपको यहाँ पे 8000 रुपये की एक दिन में होने वाली है। 2000 रुपये हम आपका यहाँ पे ड्राइवर की जो सैलरी है उसका हम एक दिन की यहाँ पे ड्राइवर की जो सैलरी है वो मान लेते हैं,
तो इस प्रकार आपको लगभग यहाँ पे 10,000 रुपये एक दिन का खर्च आपको यहाँ पे हो जाता है। लेकिन हमने आपको जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से बताया, 1 लाख ईंट बनाने के लिए आपको यहाँ से 300 रुपये 1,000 के हिसाब से 30,000 रुपये आपको यहाँ से एक दिन की इनकम हो जाती है, और आपका यहाँ से खर्च आया 10,000 रुपये, यानी कि आप यहाँ से 20,000 रुपये एक दिन में बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। इस प्रकार आप काम करते करते एक महीने में इसी दर से आप 6 लाख रुपये बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आपको यह काम 30 दिन के लिए नहीं मिलता, आप 25 ही दिन महीने में काम करते हैं, तो आप 5 लाख रुपये तो बड़ी आसानी से यहाँ से कमा ही लेंगे। अब हमारे कुछ साथियों का मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम यह काम किस प्रकार कर सकते हैं। तो साथियों, आपने इस काम को करने के लिए आपने लगभग 10 भट्टों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, और आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि हम यहाँ पे जो ईंट बनाने वाली जो गारा है, हम यहाँ पे गारा बनाएंगे, और आप इस प्रकार उस भट्टे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके आप यह काम कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको लगभग 10 भट्टों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक भट्टे के ऊपर तो इतनी ईंटें नहीं बनती हर रोज़। तो इसके लिए आपको, यदि 10 भट्टे आपको मिल जाते हैं, तो आप 3 दिन किसी भट्टे पे काम करें और 3 दिन किसी भट्टे पे काम करें, तो इस प्रकार 10 भट्टे मिलने के बाद आप एक महीने में अलग अलग 3 3 दिन काम करके पूरा महीना आप कंटिन्यू यहाँ से काम कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने लगातार काम कर सकते हैं, और यहाँ से आप 5 लाख रुपये प्रति महीने की सेविंग के हिसाब से 6 महीने में 30 लाख रुपये बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।